कहीं वो ये आस तो नहीं लगाए बैठे हैं कि आगे चल के आलू के रेट बढ़ेंगे? बढ़ने के लिए तो आस लगाए। क्या रेट चल रहा है चिप्सोना? चिप्सोना भी है, ये चल रहा है 850 रुपए लेके। नेपाल के लिए भी होती है। अच्छा अच्छा। और बिहार और उत्तर प्रदेश। अच्छा अच्छा। सो दोस्तों, जिस चीज़ का हमको इंतज़ार था, तो अब हम इस समय आप लोग देख पा रहे हैं कन्नौज के मानीमू साइड के एक कोल्ड स्टोरेज में है, जिसमें कि आपको अभी हम चाचा से बात करेंगे और पता करेंगे कि यहाँ के आलू का रेट क्या है और यहाँ पर आलू की कौन सी आलू की ज़्यादातर पैदावार होती है और क्या स्थिति है इधर आलू की। तो हमारे साथ में इधर चाचा जी दो तीन लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पे आलू का कौन कौन सा आलू होता है और किस रेट में आज की डेट में निकल रहा है। आज डेट 20/6/2020 है। चलिए हम बैक कैमरे से चाचा जी से और भैया लोग हैं, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पे जो हाईलैंड आलू होता है, सिंदूरी आलू और जो शुगर फ्री आलू होता है वो किस रेट में है। तो चाचा बताएंगे। चाचा आपका क्या नाम है? बबलू मिश्रा। कहाँ से हैं आप? हम यही मानीमऊ से हैं। ये कौन सा कोल्ड स्टोरेज है? ये गीतांजलि कोल्ड स्टोरेज है। तो इसमें जो यहाँ पर मुझे तो टोटल न्यू हाईलैंड आलू दिख रहा है, इसका रेट आज के रेट में क्या चल रहा है? ये चल रहा है 950 से 950 रुपये में। आपको आप अगर कोई व्यापारी लेना चाहेगा जैसे कि, तो उसको कितने रुपए में उसकी गाड़ी में लोड करवा दिया जाएगा? गाड़ी में लोड करते मान लीजिए कि 950 रुपये और 130 रुपये भाड़ा हो गया हाईलैंड का। अच्छा अच्छा। 130 रुपये कोल्ड का भाड़ा लगता है वो मिला के टोटल पड़ेगा जाके 950 और 130 रुपये प्लस भाड़ा करना पड़ेगा उसमें। तो ये जो न्यू हाईलैंड आलू इसी प्रकार का होगा ना? जी जी, ये 950 रुपये वाला, ये 950 रुपये का कट्टा होगा। और अगर कोई व्यापारी भाई चाहेंगे कि उनको सुखा के दिया जाएगा तो बिल्टी दी जाएगी, ये 20.5। बिल्टी कितने की होती है? 20.5। अच्छा अच्छा, 20.5 की। तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैदावार कौन से आलू की होती है? सबसे ज़्यादा तो यहाँ चिप्सोना की होती है। तो चिप्सोना का कुछ सैंपल वगैरह मुझे दिखेगा क्या यहाँ पे? अभी तुम्हारी लोड हो गई है। अच्छा अच्छा। तो क्या रेट चल रहा है चिप्सोना? चिप्सोना भी है, ये चल रहा है 850 रुपये लेके 950 रुपये। अच्छा, 850 लेके 950 प्लस 130 भाड़ा? नहीं, 130 नहीं, इसका ऊर्जा के 155। अच्छा, इसका 155 रुपये भाड़ा अलग होता है? ऊर्जा के 155। अच्छा अच्छा, यानी भाड़ा अलग अलग आलू के हिसाब से दवा लगती है। अच्छा अच्छा, दवा कोल्ड वाले की लगाते हैं और उसका जो चार्ज वगैरह पड़ता होगा वो चार्ज जैसे दवा लगाने का वो खर्चा वगैरह? तो कोल्ड मालिक। अच्छा अच्छा, वो टोटल कोल्ड मालिक का होता है ना। तो इस कोल्ड से एक दिन में कम से कम कितनी गाड़ी निकासी हो जाती है? अब निकाल किसानों के ऊपर है कि जैसे किसान आते हैं उसे गाड़ी निकालते हैं। इसमें बिक्री कैसी क्या चल रही है लमसम एक दिन में? किसान कमा, किसान यानी कि किसान आलू कम बेचना चाह रहा है ना इस समय? सभी किसान भाई अपने अपना आलू पकड़ के बैठे हैं, बेचना कोई नहीं चाह रहा है। कहीं वो ये आस तो नहीं लगाए बैठे हैं कि आगे चल के आलू के रेट बढ़ेंगे? बढ़ने के लिए तो आस लगाए। अच्छा, वो लोग ये आस लगाए बढ़ेगा। तो ऐसा हुआ था लमसम 2019 में, सभी भाई लोग ये कहते थे कि ऐसा हर हाल में आलू 700 रुपये से नीचे नहीं जाएगा, पर सारा इकट्ठा होने के कारण उसे एग्जेक्ट हो गया था, फेंका गया था। तो इस बार ये उम्मीद तो नहीं है? नहीं, फेंका नहीं जाएगा आलू इस बार। आपकी उम्मीद क्या कह रही है? जैसे प्रोडक्शन कम रहा है। अच्छा अच्छा। लमसम आपका कोल्ड कितना प्रतिशत भरा हुआ था इस बार? 60%। 60%। अभी तक निकासी कितनी हो चुकी है? अभी लगभग हो चुकी है 10,000 लगभग। तो आप लोगों ने इस कोल्ड के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया होगा और जो भी रह गया हो आप लोग नीचे कमेंट में बताएं, वो भी हम अगली वीडियो में आपको जानकारी लेके बता दूंगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से, देखिए एक वो गाड़ी लोड हो रही है, कहीं बाहर के लिए जा रही होगी। तो इस समय आज दिनांक 20/6/2020 है। तो आप लोग न्यू हाईलैंड आलू देख लीजिएगा, ये 950 से लेके कितना था चाचा? 950 से लेके 950 प्लस 130 रुपये भाड़ा, तो कुछ इस प्रकार से। इस कट्टे में वजन कितना होगा? वजन इसमें होगा 50 से 51 किलो। 50 से 51 केजी। और उन लोग कहते हैं कोई 50 से लेके 55 के बीच मिलता वजन? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, 55 केजी। अच्छा, कोई कोई इकट्ठा होता होगा ना, तौल के तो भरा नहीं जाता है, अगर बिल्टी बनेगी तभी तो तौल के भरा जाता है। तो इस कोल्ड से लगभग कहाँ कहाँ तक माल जाता है? कोल्ड से नेपाल के लिए भी होती है। अच्छा अच्छा। और बिहार और उत्तर प्रदेश। अच्छा अच्छा। बढ़िया। अच्छा, तो क्या लग रहा है आज के 10 दिन बाद आगे चल के कैसी निकासी शुरू होने लगेगी? निकासी बढ़ेगी, निकासी बढ़ जाएगी आज के 10 दिन बाद। तो चलिए अब
मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोगों ने देख ही लिया है इस कौन सा कोल्ड था, गीतांजलि, गीतांजलि गीतांजलि कोल्ड स्टोरेज, हरदोई रोड, मानी मऊ से ना।